Hello students, we are here with another lecture on a determinant of matrices, fourth chapter of your book for plus two class. In this chapter we will discuss about the further topics on matrices. Actually it's an extension of matrices. In this case we will discuss about actually what is determinant. Firstly you have to know about what is determinant. ये सारे का सारा चैप्टर मैट्रिसेस से रिलेटेड है, ठीक है जी। मैट्रिसेस का ही अगला पोर्शन है जो वो डिटरमिनेंट कहता है, कहलाता है, ठीक है। इन दिस केस फर्स्ट इज डिटरमिनेंट। आपको वैसे पता होना चाहिए सबसे पहले, इफ यू आर यू हैव अ मैट्रिसेस, स्पेशली स्क्वायर मैट्रिस, ठीक है जी। स्क्वायर मैट्रिसेस का सबको पता है, हु हैज सॉरी विच हैज number of rows and number of columns are same, clear? 2x2 order, 3x3 order, 4x4 order. In this case you all have, in these all matrices you have number of rows and number of columns are same. Now firstly you have to know about determinant can always be on a square matrices. Agar aapne kisi bhi matrix, firstly you have to know A is a matrix, that is a square matrix. अगर आपके पास एक square matrix है, then you can find a determinant of that matrix. Otherwise, ये possible ही नहीं है बेटे कि अगर आपके पास rectangular matrix है या square matrix से अलावा कोई और भी matrix है, square matrix से अलावा कोई और भी matrix है, then you can find the determinant of that matrix. Clear है? ये condition याद रखनी है square matrix. अभी determinant क्या है? Determinant, firstly you have to know, determinant denote होता है, it's like a modulus sign, that A modulus like, ठीक है जी, it's a denotion of a determinant. If A is a matrices, is a denotion of matrices capital A, then if you have a two plane lines along A, then this is called a determinant of that matrix A, clear? And if you have like this, मैट्रिसेस के बाहर भी जो मैट्रिसेस, अभी तो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती थी, अगर आपके पास जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इट्स अ मैट्रिक्स, बट ब्रैकेट्स चेंजेस टू लाइक अ मॉडुलस साइन, ठीक है जी। ये मॉडुलस साइन जैसा, बट ये मॉडुलस नहीं है, ठीक है जी। सो इसको आप क्या बोलोगे, अभी इसका आप क्या फाइंड आउट करोगे, ये मैट्रिसेस नहीं बनी, इसका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, डिटरमिनेंट, ठीक है जी। ये हम डिनोशन बोलते हैं इसको, कैसे किसी मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट को हम डिनोट कर सकते हैं। अभी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिंगल टर्म से एसोसिएट किया जा सकता है, इट्स अ टर्म अकॉर्डिंग आवर मैथमेटिशियंस। किसी भी स्क्वायर मैट्रिसेस को हम किसी भी एक सिंगल टर्म में, एक सिंगल डिजिट में, एक सिंगल नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं। सपोज इट्स अ डिटरमिनेंट ए, इसकी कोई एक टर्म आएगी, दैट इज ए। A is what? A single term, जो उसके determinant को क्या करेगी, associate. That is, the matrices, square matrices especially, can be associated by a single term, and that single term can be solved by, can you can get that single term using determinant. ठीक है जी, आप determinant की help से उस एक single term को find out कर सकते हो, जिससे वो matrices एक associate हो सकता है। क्लियर है जी। फर्स्टली हम पहले मेथड देखते हैं डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए। देखो डिटरमिनेंट किसी भी तरीके से सॉल्व हो सकता है, इट्स अपॉन यू दैट आपको कौन सी जो चीज है वो कन्वीनियंट लगती है, ठीक है जी। अभी देखो ध्यान से, देखो ध्यान से बेटे, अभी मैं इसी चीज को कर रहा हूं, इसी एक मैट्रिसेस का मैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहा हूं। फर्स्टली वी हैव टू गो विद अ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है जी। ये 3x3 उधर बाद में करेंगे, फर्स्ट ये 2x2 करते हैं, ठीक है जी। अभी हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, दैट इज ए डिटरमिनेंट। यू कैन चेंज द ब्रैकेट ऑफ अ मैट्रिसेस लाइक दिस। अभी आपको ये क्या शो करेगा, आपने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो फर्स्टली यू हैव टू पिक फर्स्ट टर्म, मैं रो के अलॉन्ग कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, 1 मल्टीप्लाइड बाय ये इसके वर्टिकल एंड इसके हॉरिजॉन्टल, ये दोनों टर्म छोड़ दी, दैट इज 2 एंड 3 छोड़ दी, आपके पास क्या बचा, 4, ठीक है जी।
नेक्स्ट टर्म पे आएगा माइनस, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है जी। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टर्म में ज्यादा क्लियर होगा माइनस क्यों आया। फिर वही हमने अभी कौन सी टर्म ली, सेकेंड टर्म ली, दैट इज टू, ठीक है जी। अभी ये टर्म ली, अभी फिर वही क्राइटेरिया, वर्टिकल छोड़ दिया, हॉरिजॉन्टल छोड़ दिया, आपके पास क्या बचा, थ्री, दैट इज फोर मल्टीप्लाई बाय वन, फोर एंड थ्री टू जार सिक्स, इट्स लाइक माइनस टू, इट्स लाइक माइनस टू। सो यू कैन से दैट दिस मैट्रिसेस कैन रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल टर्म, एसोसिएटेड बाय अ सिंगल टर्म, दैट इज व्हाट, नेगेटिव ऑफ टू। क्लियर है जी। एक और एग्जांपल करते हैं, सपोज ठीक है जी, ये हम फाइंड आउट करते हैं, सेम प्रोसीजर, फर्स्ट यू हैव टू टेक फर्स्ट, दैट इज वन, ठीक है जी। अभी फिर वही, दैट इज टू, छोड़ दिया ना, वर्टिकल एंड ऑपोजिट छोड़ दिया, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली, उसके बाद नेगेटिव साइन, उसके बाद आपने सेकंड टर्म पिक करनी है, इट्स लाइक दिस, दैट इज वन। अभी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल छोड़ दिया, यू हैव वन, टू इंटू वन टू, वन इंटू वन वन, यू हैव आंसर वन। दिस टर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है जी। हमने ना एक लास्ट में क्वेश्चन किया था, लास्ट में हमने एक पढ़ा था कि जब मैट्रिसेस आप कर रहे थे, आपने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ी थी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम यही बार बार बोलते थे कि जहां पे रियल नंबर्स में वन का काम होता है, वहां पे मैट्रिसेस में आइडेंटिटी का काम भी वन करता है, वन का काम भी मैट्रिसेस आइडेंटिटी करती है, ठीक है जी। तो हम क्यों बोलते थे, इसका प्रूफ मैं आपको आज दे रहा हूं। इट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यू कैन टेक इट लाइक दिस, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, वन, दैट इज वन माइनस जीरो इंटू जीरो, ठीक है जी। ये लिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, यू हैव अ जीरो अगेन, वन माइनस जीरो, दैट इज वन। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हर बार हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वन। ये देखो ध्यान से, ये प्रूव हो गया ना अभी, जो काम वन का इनर रियल नंबर्स था वो मैट्रिसेस केस में आइडेंटिटी कर रही है, तो उसका रीजन भी यही है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका भी आप कभी भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे तो उसका हर बार डिटर्मिनेंट वो वन आएगा। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज एसोसिएटेड बाय अ डिजिट दैट इज वन, ऑलवेज। क्लियर है जी। चलो अभी अभी थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ये टू बाय टू ऑर्डर की थी, अभी थ्री बाय थ्री ऑर्डर की करते हैं, ठीक है जी। अभी थ्री बाय थ्री ऑर्डर की करते हैं, देखो ध्यान से, क्लियर है, यू हैव टू फाइंड दिस वन, सिंपल केस, सिमिलर वन, वन उठाया, ठीक है जी, वर्टिकल गया, हॉरिजॉन्टल गया, आपके पास ये चार टर्म्स बची, उनको आप मैट्रिसेस में नहीं डिटरमिनेंट में लिखोगे, दैट इज वन टू वन वन, एग्जैक्टली जैसे वहां पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, ये टर्म बची थी तो हमने इसको डिटरमिनेंट में लिख लिया, ठीक है जी। उसके बाद फिर नेगेटिव टू, ये उठाया, ठीक है जी, वर्टिकल गया, हॉरिजॉन्टल गया, यू हैव वन 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 वन, वन 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 अगेन, क्लियर। फिर प्लस थ्री, ठीक है जी, प्लस थ्री अगेन, फिर हॉरिजॉन्टल गया, वर्टिकल गया, वन 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 टू, सेम केस। अभी थ्री बाय थ्री ऑर्डर की मैट्रिसेस थी, जो कुछ टर्म में, जो उनकी कुछ की कुछ टर्म टू बाय टू ऑर्डर की मैट्रिसेस में चेंज होगी, दैट इज वन टू वन 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 टू, ठीक है जी। आप इसको तो सॉल्व करना आता है, कैसे करोगे, सेम प्रोसीजर, वन इंटू वन माइनस वन इंटू टू, क्लियर है, माइनस टू, वन इंटू वन माइनस वन इंटू वन, वन इंटू टू माइनस वन इंटू वन, दैट्स लाइक दिस, वन इंटू वन माइनस टू, माइनस टू इंटू जीरो प्लस थ्री इंटू वन, यू हैव वन इंटू माइनस वन माइनस जीरो आ गया, ठीक है, इसको जीरो लिख लेते हैं, प्लस थ्री, माइनस वन प्लस थ्री, दैट इज एक्चुअली टू है, so the determinant of that matrices is 2, then you can say that this matrices can be represented by a single term that is 2 hai, theek hai ji, associate kar sakte hain hum isko, clear hai। abhi iske sign ka aapko kaise pata lagega, kabhi main plus laga raha hu, kabhi main negative laga raha hu, aapne hamesha kabhi bhi do signs ikatthe nahi honge,
स्पेशली ये हम इसी के अलोंग कर रहे हैं ना, इसी के अलोंग। अब इसी के इसी क्वेश्चन को मैं कॉलम के अलोंग करता हूं, इस कॉलम के अलोंग करता हूं या अगली रो के अलोंग करता हूं, पहले कॉलम के अलोंग करता हूं, ठीक है जी। सिमिलरली वन छोड़ दिया दैट इज वन टू वन वन माइनस अगेन, नाउ यू हैव टू टेक दिस वन अलोंग दिस, कितना आ गया टू टू थ्री वन, क्लियर है जी। अगेन एक्चुअली बस जगह नहीं है, चलो नेक्स्ट नीचे लिख देता हूं मैं, प्लस वन यू हैव टू वन थ्री वन, अभी कैलकुलेट करेंगे वन अगेन सेम वन इंटू वन माइनस टू इंटू वन प्लस वन टू इंटू वन माइनस थ्री टू जर सिक्स प्लस वन एज इट इज टू वन जर टू माइनस थ्री यू हैव माइनस वन माइनस फोर माइनस वन यू हैव माइनस वन प्लस फोर माइनस वन एंड आंसर इज टू। देखो आंसर सेम है दोनों में, यू कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट, यू कैन सॉल्व द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिसेस बाय एनी रो एनी कॉलम, बट ये बड़ा इजी था फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो में बड़ा इजी था, बट अगर हम इसी को सेकेंड रो या सेकेंड कॉलम से करके देखें, सेकेंड रो में अभी ध्यान से देखो, अभी आप जो सेकेंड रो से जब लोगे तो ये वन लोगे नहीं, यहाँ पे आप माइनस वन लोगे। रीजन क्या है देखो ध्यान से, एक्चुअली हम स्टार्ट करते हैं यहां से प्लस से, जितने भी साइन आएंगे प्लस माइनस प्लस, कहीं भी दो प्लस नहीं सेम होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए, कहीं भी दो नेगेटिव नहीं इकट्ठे होने चाहिए। ध्यान से देखो, हम यही करते थे फर्स्ट पॉजिटिव सेकेंड को नेगेटिव लेते थे फिर थर्ड फिर पॉजिटिव, कॉलम में भी यही करते थे फर्स्ट पॉजिटिव सेकेंड को नेगेटिव फर्स्ट को फिर थर्ड को फिर पॉजिटिव। अभी हम सेकेंड कॉलम से निकाल रहे हैं, सेकेंड रो से निकाल रहे हैं, देन यू हैव अ फर्स्ट टर्म नेगेटिव वन, देन फिर पॉजिटिव वन, देन फिर नेगेटिव वन, बाकी क्राइटेरिया सेम। आपको बस ये क्राइटेरिया याद रखना है, जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हो देन यू हैव टू नो अबाउट दीज टर्म्स विच आर नेगेटिव एंड विच आर पॉजिटिव वन, कहां पे आपने नेगेटिव लेना कहां पे पॉजिटिव, आप ऐसे ऊपर भी लिख भी सकते हो इन अ रफ बुक कि आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट रो में फर्स्ट पॉजिटिव आनी चाहिए, फिर अगले में नेगेटिव आना चाहिए, फिर पॉजिटिव, फिर अगले में नेगेटिव, देखो फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, आंसर इससे भी वही आएगा सेम बिल्कुल। देखो ध्यान से टू टू थ्री वन अगेन वन वन थ्री वन अगेन वन वन टू टू यू हैव माइनस वन टू माइनस सिक्स प्लस वन माइनस वन प्लस वन थ्री माइनस थ्री यू हैव माइनस फोर इंटू माइनस वन प्लस वन इंटू माइनस टू माइनस वन इंटू जीरो यू हैव फोर माइनस टू माइनस जीरो दैट यू हैव टू आंसर एग्जैक्टली सेम एज वी हैव डिस्कस्ड फर्दर वी हैव डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस कॉन्सेप्ट इन अ प्रीवियस वे। क्लियर है, गॉट इट, दिस इज कॉल्ड अ डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिसेस। क्लियर है, थ्री ऑर्डर मैट्रिसेस कन्वर्टेड टू वन ऑर्डर टू ऑर्डर, आफ्टर दैट जब टू ऑर्डर में होगा तो टू ऑर्डर को हमें सॉल्व करना आता है। अभी मैं डायरेक्टली इसको इसके तरह मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको इसके तरह मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पता क्यों, क्योंकि होता तो वही है एक्चुअली। देखो ध्यान से टू लिया, ठीक है जी, टू एज इट इज ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया तो बचा तो वही आगे सामने वाला ही ऑपोजिट वाला, फिर माइनस लेता हूं मैं हर बार क्योंकि सेकंड टर्म हमेशा माइनस ही आएगी, उसके बाद थ्री लेता हूं ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया फिर उसके ऑपोजिट आ गया, इट्स कॉल्ड टू इंटू वन, इट्स कॉल्ड थ्री इंटू वन, टू इंटू वन, जब आप अपर टू लोअर जाएंगे जाओगे इन अ क्रॉसिंग तो पॉजिटिव आएगी, अगर फॉर द सेकेंड टर्म आप लोअर से अपर जाओगे देन यू हैव अ नेगेटिव टर्म दैट इज टू माइनस सिक्स इट्स लाइक माइनस फोर, ठीक है जी। इट्स अ इजी वे, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे था, अभी आपको पता लग गया कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद आप इसको इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो।